छिंदवाड़ा में एक मंदिर ऐसा भी है जहां हर मंगलवार को जन सुनवाई होती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। लेकिन इस जन सुनवाई में कोई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद नहीं होता, बल्कि यहाँ भगवान खुद जन सुनवाई करते हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। ये तो हम सभी जानते हैं कि प्रदेश या जिले में हर प्रशासनिक अधिकारी जन प्रतिनिधि पीड़ित जनता की समस्याएं सुलझाने हर सप्ताह जन सुनवाई करते हैं। पर क्या आपने कभी सुना है कि भगवान भी जन सुनवाई करते हैं और भक्तों की समस्या को लिखित आवेदन के रूप में लेते हैं? महाबली हनुमान का ये दरबार लगता है छिंदवाड़ा में, जहां हर मंगलवार और शनिवार भक्त अपनी समस्याएं केसरी नंदन हनुमान जी को देते हैं। यहां मौजूद मंदिर के बारे में कहा जाता है कि अयोध्या के बाद ये दूसरा पूर्वमुखी हनुमान मंदिर है, जहां श्रद्धालु अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश त्रिलोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी मोती निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेश कानन कुंडल कुंचित केश पादम वज्र ध्वज विराज कांधे मूंज जनेऊ जय शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणीयत चातुर राम काज करिले को आतुर प्रभु चरित्र सुनिले को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियनि दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर समारे रामचंद्र के काज सवारे। इस हनुमान दरबार के पुजारी ने बताया कि ये कोई आम मंदिर नहीं है। यहाँ ऐसे हजारों प्रमाण हैं जिसमें ये सिद्ध हुआ है कि यहाँ आने वालों की झोली हमेशा भगवान ने भरी है। वहीं मीडिया ने जब मंदिर आए कुछ भक्तों से बात की तो उन्होंने बताया कि किस तरह उनकी वर्षों पुरानी मनोकामना आखिर एक दिन पूरी हो गई। आशय तो यही है, भैया अग्नि कुंड में बैठे हैं, पूर्वमुखी है, गोबर की लिपाइयाँ होती हैं और ये अग्निकुंड जो है ब्रह्मा विष्णु महेश जो मानते हैं, ऐसे तो हनुमान मंदिर तो बहुत जगह हैं, लेकिन अग्निकुंड के अंदर बैठे हैं ये बहुत विशेष बात है। इसके लिए ये कि भाई भक्त लोगों को ही बताना कि ये मैं जब से हूँ संवारा, जब से देखते चला रहा हूँ कि लोग लिखते हैं अपनी मन्नतें और लिख के उन्होंने अपनी नौकरी के लिए, शादी के लिए, बाल बच्चों के लिए, कोर्ट कचहरी के केसों के लिए, ये भक्त लोगों ने मुझे बताया कि हमने फलाने समय लिखते गए थे तो आज हमारी मनोकामना पूरी हुई है, हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही थी, बच्चे नहीं हो रहे थे, ये उनकी भक्तों द्वारा हमें बताया जाता है जब भी हमें जानकारी लगती है। यहाँ पे मनोकामना ये एक देखिए आप, ये पत्र है जो भक्त और भगवान के बीच का रहता है, ये इसमें अर्जी लिखी जाती है, जो भी आपकी मनोकामना है इसमें आपको लिखना पड़ता है और ये इसे मोड़ के ऐसा इसमें अर्जी में यहाँ पे जो आपकी मनोकामना वो लिख दीजिए और इसे ऐसा मोड़ के ना कोई देखता है और ना इसे कोई उठाता है, ये सिर्फ सीधे इसे ऐसे मोड़ के और यहाँ पे जय श्री राम या राम लिख के इसे मोड़ के और भगवान जी के चरणों में रख दिया जाता है, जो कि इसमें मनोकामना पूर्ण होने के बाद फिर ये जो आप नारियल देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो नारियल आप बंधे हुए हैं इसे भगवान के द्वारा हम जब हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो हम इसे चढ़ाते हैं। मैं यहाँ बचपन से आ रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा के साथ आता हूँ मैं, मेरे को मम्मी पापा ने यहाँ पे लेके आया। ये सिद्ध हनुमान मंदिर है, ये अयोध्या के बाद दूसरा पूर्वमुखी हनुमान मंदिर है। कुल मिलाकर जो भी कहे, आज के वैज्ञानिक दौर में भी लोग इस मंदिर में स्थित भगवान के चमत्कार में अटूट विश्वास रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, छिंदवाड़ा।